मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये है आपका चैप्टर 6 चल रहा है, जोड़ना सीखें। और इसमें आज हमारा है पेज नंबर 18। पेज नंबर 18 में क्या है, अभ्यास 7, एक्सरसाइज 7 है जो हम करेंगे। इसमें क्या है, शब्दात्मक प्रश्न है, वर्ड प्रॉब्लम जिसे बोलते हैं। तो इसमें देखिए, प्रश्न एक से स्टार्ट कर रहे हैं। प्रश्न एक में क्या है, एक बाग में 26 पेड़ नीम के और 495 पेड़ जामुन के हैं, बाग में कुल कितने पेड़ हैं। तो हमें क्या करना है, इनको शब्दात्मक शब्द है, प्रश्न है ये, तो कैसे लिखेंगे, नीम के पेड़ की संख्या जामुन के पेड़ की संख्या। तो देखिए, प्रश्न एक है आपका, नीम के पेड़ कितने हैं, ये जामुन के पेड़, जामुन के पेड़। तो देखिए, नीम के पेड़ कितने हैं, 26 हैं, कितने हैं 26। जामुन के पेड़ 495, कितने हैं 495। तो बाग में कुल कितने पेड़ हैं, तो कितने पेड़ हैं, कुल पेड़ होंगे, कितने होंगे, तो क्या करें हम इसमें, 26 प्लस 495 कर देंगे। नीम के पेड़ और जामुन के पेड़ को हम जोड़ेंगे, ठीक है। तो कैसे जोड़ा जाएगा, तो इसको हम इधर साइड में जोड़ेंगे, ये आपका यहाँ पे लिखेंगे। तो देखिए, हमेशा बड़े नंबर को ऊपर लिखते हैं, तो पहले हम जामुन के पेड़ लिखेंगे, कितने हैं 495, और नीम के पेड़ कितने हैं 26। ध्यान दीजिएगा, ये 495 तीन अंकों की संख्या है और 26 है दो अंकों की संख्या, तो इकाई और दहाई के नीचे आएगा, ध्यान रखना। अब इनको जोड़ना है हमें, तो क्या आएगा, 5 और 6 11 का 1 हासिल 1, 9 और 1 10 और 2 12 का 2 हासिल 1, 4 और 1 5, यानी कितने पेड़ हो गए, कुल कितने पेड़ हो गए, 521 पेड़ हो गए, ठीक है। इस तरह से आपको ये करना है। फिर प्रश्न दो क्या है, एक चरवाहे के पास 579 बकरी और 355 भेड़ हैं, उसके पास कुल कितने जानवर हैं। इसमें आपको प्रश्न दो जो है, प्रश्न दो है, इसमें बकरी की संख्या और भेड़ की संख्या, भेड़ की संख्या, देखिए बकरी की संख्या कितनी है, 579, 579। फिर भेड़ की संख्या 355। अब हमें क्या कह रहे हैं, उसके पास कुल कितने जानवर हैं, तो कुल कितने जानवर, तो क्या करें, कुल जानवर होंगे, कितने होंगे, 579 प्लस 355। अब इसको हम यहां पर जोड़ेंगे, 579 और 355 को हम इसमें जोड़ेंगे, 9 और 5 14 का 4 हासिल 1, 8 और 1 9, 9 और 5 14 का 4 हासिल 1, 5 और 1 6 और 3 9, यानी 944 जानवर होंगे। फिर प्रश्न तीन है, इसको हम करेंगे, ये प्रश्न तीन और चार करते हैं, ये हो गए आपके नंबर एक और दो। अब देखिए, प्रश्न तीन है, एक संख्या 978 है, दूसरी संख्या इससे 225 अधिक है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। प्रश्न तीन में इसमें देखिए, इसमें आपसे कहा जा रहा है, एक संख्या कितनी है, एक संख्या है 978, कितनी है 978, दूसरी संख्या इससे 225
संख्या अधिक है, लिख देते हैं यहाँ पे पहले, दूसरी संख्या अधिक है, कितनी अधिक है, दो सौ पच्चीस, यानी एक संख्या ये दी हुई है, दूसरी संख्या जो है वो इस संख्या से 225 अधिक है, तो आपको दूसरी संख्या ज्ञात करनी है, तो दूसरी संख्या होगी, दूसरी संख्या होगी कितनी होगी, क्या करें उसके लिए, जो पहली संख्या है उसमें हम इसको जोड़ देंगे, 978 में 225 को जोड़ा, तो हम यहाँ पे जोड़ते हैं, 978 में 225 को जोड़ा तो कितना आएगा, 8 और 5 13 का 3 हासिल 1, 7 और 1 8 और 2 10 का 0 हासिल 1, 9 और 1 10 और 2 12, यानी दूसरी संख्या क्या हुई, 1203। ठीक है, फिर प्रश्न 4, एक गांव में 743 पुरुष 998 स्त्रियां हैं, गांव की जनसंख्या ज्ञात कीजिए, इसमें आपको पुरुषों की संख्या बता दी है और स्त्रियों की संख्या बता दी है, प्रश्न 4 है इसमें, इसमें आपको पुरुष की संख्या, ये आपका प्रश्न 3, प्रश्न 4 है, पुरुषों की संख्या और स्त्रियों की संख्या, स्त्रियों की संख्या, पुरुषों की संख्या कितनी है, इसमें पुरुषों की संख्या है 743, स्त्रियों की संख्या है 498। अब आपसे कहा जा रहा है गांव की जनसंख्या ज्ञात कीजिए, तो ज्ञान गांव की जनसंख्या क्या होगी, इसको आप यहाँ पे भी जोड़ सकते हैं, कुल जनसंख्या, जनसंख्या कितनी होगी, तो देखिए इसको हम जोड़ेंगे, 8 और 3 11 का 1 हासिल 1, 4 और 1 5, 5 और 9 14 का 4 हासिल 1, 7 और 1 8, 8 और 4 12, यानी कुल जनसंख्या कितनी हुई, 1241 हुई। तो आपका होमवर्क क्या है, आपको 1-4 आपको रिपीट CW